नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से कुंडली में ग्रहों के द्वारा अनेक योगों का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे हाथ में स्थित अनेक रेखाओं, चिन्हों और मणिबंध से कई योग बनते हैं। इस लेख के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हथेली में अष्ट लक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है। जिस व्यक्ति के हाथ जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा स्पष्ट और दृढ़ होती है, उसके अष्टलक्ष्मी योग बनता है। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत पर जाकर उसके मध्य बिंदु को स्पर्श करती हो और सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत के समीप जाए तो अष्टलक्ष्मी योग बनता है। अष्टलक्ष्मी योग वाला व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक होता है। आर्थिक दृष्टि से उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह पूर्णतः भौतिक सुख प्राप्त करता है। इस योग वाला जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है तथा विदेश यात्राएं करता है। इस योग वाले व्यक्ति के पास मकान, जमीन, जायदाद, वाहन आदि होते हैं। वह पूर्ण सुख भोगता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि महालक्ष्मी की आठ स्वरूप है। लक्ष्मी जी की ये आठ स्वरूप जीवन की आधारशिला है। इन आठों स्वरूपों में लक्ष्मी जी जीवन के आठ अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। इन आठ लक्ष्मी की साधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। अष्ट लक्ष्मी साधना का उद्देश्य जीवन में धन के अभाव को मिटा देना है। इस साधना से भक्त कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है। आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, परिवार में खुशहाली आती है, समाज में सम्मान प्राप्त होता है और प्रणय भोग का सुख मिलता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन में वैभव आता है। तो करिए आप भी माता अष्टलक्ष्मी की साधना और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इसी तरह और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।